कथित शराब घोटाले में गिरफ्तार किए गए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अब तिहाड़ जेल पहुंच चुके हैं। 10 दिन तक ईडी की रिमांड पर रहने के बाद दिल्ली की एक विशेष अदालत ने केजरीवाल को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। केजरीवाल के जेल चले जाने के बाद अब इस बात को लेकर एक बार फिर अटकलें तेज हो गई हैं कि क्या वो तिहाड़ से सरकार चला पाएंगे या फिर इस्तीफा देकर दिल्ली के नए मुख्यमंत्री के लिए रास्ता साफ करेंगे। चर्चा ये भी है कि यदि जेल से सरकार नहीं चल पाई तो वो अपनी पत्नी सुनीता केजरीवाल को गद्दी सौंप सकते हैं। आम आदमी पार्टी की ओर से बार बार यही कहा जा रहा है कि केजरीवाल ही मुख्यमंत्री रहेंगे। अरविंद केजरीवाल जेल में रहकर भी मुख्यमंत्री बने रह सकते हैं। संवैधानिक जानकारों का कहना है कि एक मंत्री या मुख्यमंत्री के जेल जाने पर पद छोड़ने की कोई बाध्यता नहीं है। पिछले दिनों केजरीवाल को पद से हटाए जाने की मांग वाली जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने भी यही सवाल उठाया था। हालांकि जानकारों का यही कहना है कि भले ही केजरीवाल पर इस्तीफा देने के लिए कोई कानूनी दबाव ना हो, लेकिन व्यवहारिक तौर पर यह संभव नहीं है कि वो जेल से सरकार चला सकें। एक मुख्यमंत्री के तौर पर हर दिन कई बैठकें लेनी होती हैं, बहुत से लोगों से मुलाकातें करनी होती हैं, कैबिनेट मिलकर फैसले करती है। ये सब केजरीवाल जेल से कैसे कर पाएंगे ये साफ नहीं है। ये पहला मौका है जब कोई मुख्यमंत्री पद में रहते हुए जेल गया हो। अदालत का सहारा ले सकते हैं केजरीवाल। एलजी वीके सक्सेना साफ कर चुके हैं कि वो दिल्ली सरकार को जेल से चलाने की इजाजत नहीं देंगे। उनका बयान इसलिए बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि जानकारों का मानना है कि एलजी यदि चाहे तो केजरीवाल आसानी से जेल में रहकर भी सरकार चला सकते हैं। उनका कहना है कि एलजी किसी विशेष इमारत को जेल घोषित कर सकते हैं और वहां रहकर केजरीवाल मुख्यमंत्री के तौर पर कामकाज कर सकते हैं। हालांकि एलजी के इनकार के बाद अब आम आदमी पार्टी के पास कोर्ट का रुख करना है। अदालत से इनकार पर क्या होगा? अदालत से यदि केजरीवाल की सरकार को चलाने की इजाजत मिल जाती है तो वो अपना कामकाज आसानी से जारी रख पाएंगे। हालांकि यदि अदालत अपील स्वीकार नहीं करता तो केजरीवाल को आने वाले समय में पद छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ सकता है। अटकलें हैं कि यदि केजरीवाल को इस्तीफा देना पड़ा तो उनकी जगह उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल कमान संभाल सकती है, जो अचानक बेहद सक्रिय हो चुकी हैं और रामलीला मैदान में विपक्ष की रैली में उनके भाषण को राजनीतिक एंट्री के तौर पर देखा जा रहा है। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने मेरे पति को जेल में डाल दिया। क्या प्रधानमंत्री जी ने सही किया? क्या आप मानते हैं कि केजरीवाल जी एक सच्चे देशभक्त और ईमानदार इंसान है? केजरीवाल जी को इन्होंने गिरफ्तार कर लिया। आपके केजरीवाल शेर है, शेर। ये ज्यादा दिन तक उनको जेल में नहीं रख पाएंगे। करोड़ों लोगों के दिल में बसे हैं केजरीवाल।